हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 22। काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे बनाओगे। लेट x अपॉन x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, a अपॉन x माइनस 1 और ये हो जाएगा b अपॉन x माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे x अपॉन x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 को आप कैसे लिखोगे, इधर एलसीएम ले लो x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 और ये लिखना a इनटू x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब देखो ये तो पहले कैंसिल नहीं कर दो ना, नीचे नीचे देखो कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2a और ये हो जाएगा bx एक्स माइनस बी। तो ध्यान देंगे x इज इक्वल टू x बाहर करोगे तो a प्लस बी होगा और यहाँ पर देखो माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए x तो है इधर, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a प्लस बी को हम किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और माइनस 2a माइनस बी, देखो इधर कुछ भी नहीं कॉन्स्टेंट है तो इसको जीरो से इक्वेट करना, और सॉरी a प्लस बी को 1 से इक्वेट करेंगे और माइनस 2a प्लस माइनस बी को जीरो से इक्वेट करना, इसको इक्वेशन क्या मान लेना सेकंड। अब देखो सिंपली इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान देंगे a प्लस बी बराबर 1 और माइनस 2a माइनस बी बराबर 0। देखो b से b गया, a में से 2a जाएगा तो माइनस है बराबर 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम ये माइनस 1 अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a की जगह पे तो b निकल जाएगा, तो अब क्या करो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ध्यान दो माइनस 1 प्लस बी बराबर 1, देयरफॉर b का मान कितना निकल जाएगा 2। अब देखो a और b दोनों आपके पास वैल्यू निकल चुका है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, तो a की जगह पे रखो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और b की जगह पे रखिए 2, तो 2 अपॉन x माइनस 2, इसलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए अब। तो देखो माइनस बाहर है तो 1 अपॉन x माइनस 1 dx और यहाँ पे 2 बाहर करो तो 1 अपॉन x माइनस 2 dx। ओके, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस log x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 log x माइनस 2। तो देखो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस log x माइनस 1 और ये 2 को ऊपर ले जाते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो log m टू द पावर n जो होता है n log m होता है, तो n log m को log m टू द पावर n लिख सकते हो। अब इसको पहले लिख दो, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर को पहले लिख दो माइनस log x माइनस 1। अब log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो क्या लिखोगे, log ठीक यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ठीक, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ो या log c। तो देख लो क्या आंसर्स दिया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है log x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड है log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस c, हाँ सेकेंड b हो जाएगा आंसर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों b होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, देख रहे हैं 22 में इसमें b आंसर आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू।